दोस्तों इन कर्मचारियों और अधिकारियों को भी दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता, छटनी का काम हुआ शुरू। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट से जुड़ी हुई। दोस्तों इससे पहले भी आपको बताया गया था कि DOPT की तरफ से सभी डिपार्टमेंट्स को ये आदेश और निर्देश जारी कर दिए गए हैं कैसे सभी कर्मचारियों की लिस्ट बनाई जाए जिनकी की नौकरी 30 साल की पूरी हो चुकी है या फिर उनकी उम्र 50 और 55 वर्ष, इन दोनों में से जो भी कंडीशन वो पूरी कर चुके हैं उन सभी सरकारी कर्मचारियों की लिस्ट बनाई जाए, उनके सर्विस रिकॉर्ड का रिव्यू किया जाए और यदि पब्लिक इंटरेस्ट में ये लगे कि उन सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाए तो ये सारे कदम भी यहाँ पर उठाए जाएँ। तो इसी के संबंध में एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर निकल के आई है और जैसे कि आप एक बार देख सकते हैं ये कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स की तरफ से इसी के संबंध में 1 जून 2020 यानी कि कल जारी किया गया एक बेहद महत्वपूर्ण लेटर है और इसमें भी यही कहा गया है कि DOPT के आदेश के अनुसार हर एक डिपार्टमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो हर 6 महीने में उन सभी सरकारी कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड का रिव्यू करे जिनकी की नौकरी 30 साल की पूरी हो चुकी है या फिर उनकी उम्र 50 और 55 साल। यहाँ पर CGDA की तरफ से कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी और अधिकारी जो कि जनवरी 2020 और जून 2020 को ये सारी कंडीशनें पूरी कर रहे थे उन कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड का रिव्यू अभी तक नहीं किया गया है जो कि DOPT के नियमों का उल्लंघन है, इसलिए तुरंत प्रभाव से ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड का रिव्यू किया जाए और यदि ये पाया जाता है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो उन्हें पब्लिक इंटरेस्ट में FR 56J और CCS पेंशन रूल 48 के तहत उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट यानी कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया जाए। तो ये एक बड़ी अपडेट यहाँ पर खासतौर से CGDA के अंदर में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए और उन सभी के लिए जो कि 30 साल की नौकरी पूरी कर चुके हैं या फिर उनकी उम्र 50 और 55 साल हो चुकी है। तो ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड का रिव्यू हर एक केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है और यदि उन्हें फिट नहीं पाया जाता है तो उन्हें पब्लिक इंटरेस्ट में अनिवार्य रिटायरमेंट भी FR 56J और पेंशन रूल 48 के तहत अनिवार्य रिटायरमेंट भी दिया जा सकता है। तो एक बड़ी अपडेट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करें शेयर करना ना भूलें जिससे आपके दोस्त भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें और बने रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ऐसी ही लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट्स को सबसे पहले जानने के लिए।